अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ। और देखिए, आज संडे है और हम कहीं एक जगह जा रहे हैं, लेकिन सुबह फजर नमाज़ के टाइम, तो उसके बाद इतनी धुंध थी कि आप बताओ, मैं रोड भी नहीं दिख रहे थे, मतलब कुछ भी सामने, अगर वन आर्म डिस्टेंस पर भी नहीं कुछ दिख रहे थे, इतना मतलब धुंध थे। अब विजिबिलिटी इतनी कम थी कि क्या कहूँ। फिर अभी हम 8 बज चुके हैं तो हम घर से निकल पड़े और देखिए आगे 10 बजे तक शायद अगर ये क्लियरेंस हो गई तो फिर उसके बाद फिर धूप अच्छी खिलेगी। और देखिए, मैंने घर से पॉपकॉर्न बना के लाए अपने साथ, मेरे जो घर से गर्म गर्म पॉपकॉर्न बनाए। आप पहले प्यूर भरेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आज संडे का विंटर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाने की कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह रहमान। अभी मॉर्निंग का तो ऐसे ही है, तो आगे क्या होगा। अब आगे आगे ठंड और बढ़ेगी, 21 दिसंबर से तो एकदम क्रुशल शादी शुरू है। बाकी देखिए, अभी थोड़ी थोड़ी खुल रही है, यहाँ तो शेड है ना, तो या फ्यूल पेट्रोल जहाँ भरता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा वो है, फर्क है। बाकी बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ और मुझे ढेर सारे प्यार दीजिए प्लीज़, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज बहुत दिन बाद कह रही हूँ। बाकी बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सबके लिए ढेर सारी दुआएं करती हूँ और आप लोग से भी दुआ की उम्मीद रखती हूँ। बाकी दुआ तो पूरी मुसलमान उम्मत एक दूसरे को दुआ में शामिल रखना ही चाहिए। जब आप किसी के लिए दुआ करोगे तो सामने से फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं, तो इसी लालच से सही। तो सब मुसलमान उम्मत को, पूरी कायनात के जिसके कलमा हम सब एक है, और जो शिरक और बिदत ना करते हों, शिरक और बिदत करने वाले वाकई में बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो लोग पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं और कुछ काम अल्लाह कर देते हैं ठीक, फिर भी वो जो शेर है वो उसको देते हैं, उस पीर को देते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, पीर ने हमारा काम सही कर दिया, नऊज़ बिल्ला। तो ऐसे लोगों पे कुछ हद तक अभी मतलब सब कुछ ठीक दिखेंगे, लेकिन उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही डार्क होंगे। तो इसलिए हमें एक ही अल्लाह को मानना भी है, इबादत भी करना है, मांगना भी उसी से है, भिखारी भी उसी से बनना है, सब कुछ मोहताज हम अल्लाह के आगे होना है और हमें अल्लाह से ही लो लगाना है। और वसीला प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकते हैं। तो इसी देर ट्रूथफुल रहिए, सिंसियर रहिए और दिल से प्यार कीजिए, और लालच पे प्यार कभी मत कीजिए और किसी को भी यूज़ मत कीजिए, और बस सब मिलजुल के रहिए। दिन, एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस इन एक्चुअल, क्योंकि लाइफ का एक सेकंड जो होता है वो भी बस अल्लाह के चाहने से हमें मिलती है। तो एक दिन तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही, अब इसमें तो जितना भी शुक्र करो कम है, तो उतने दिन में एक एक दिन हम उसमें नेकी कुछ अमल कर सके तो अपने आप को खुशनसीब समझिए। बाकी दुनिया के ऐश व आराम, खान पान, अच्छा पीना, लगाना, ब्रांडेड, ये सब कुछ एक दिन मतलब एकदम डिसमिस हो जाना है। तो असली जो लाइफ है ग्रेव से शुरू होगी, हमारी कब्र से, उसको सजाने की पूरी कोशिश कीजिए। और किसी का भी दिल मत तोड़िए, किसी का दिल मत दुखाइए, जो अपने लिए पसंद हो वो सब के लिए सोचिए तो सही। इतना नियत रखिए, आप दीजिए नहीं कुछ भी, अगर आप अपने ऊपर 1000 खर्चा कर रहे हो तो उसमें से एटलीस्ट 50 रुपीस ही सही किसी और को देने का चाहत रखिए, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने अपने पॉकेट के हिसाब से सदका कीजिए, 10 रुपया, 5 रुपया, कुछ भी, बहुत मुफीद होते हैं। और
बस कभी अच्छा भी खाइए, कभी सादा सीधा भी खाना सीखिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स, और लाइफ में बीमारी भी आ सकती है, उस वक़्त भी आपको वो सिंपल खाना खाना बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी अल्लाह की रिज़िक है, किसी भी रिज़िक को बुरा भला मत कहिए, कुछ भी हो खाइए, चाहे अच्छा हो, चाहे बड़े का गोश्त होता है, छोटे का गोश्त हो, कुछ भी हो, बड़े को ऐसा मत कहिए कि ये अच्छा नहीं होता है, बड़े के गोश्त में भी बहुत मतलब गुडनेस होते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए और अच्छा बनाइए। बस ऐसी ऐसी बातें हैं, बाकी बस बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। आई लव यू ऑल, मैं अल्लाह सुभान व तआला ब्लेस वी ऑल विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, विद गुड हेल्थ, गुड थॉट्स एंड लव टू ईच अदर, नो हेट्रेड। मैं अल्लाह सुभान व तआला गिव अस हैप्पी मोमेंट्स टू स्पेंड टुगेदर इंशाअल्लाह रहमान हियर इन दिस दुनिया एंड हियर आफ्टर इन जन्नतुल फिरदौस इंशाअल्लाह, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।